जगत गुरु परम आचार्य अयोध्या वाले महाराज जी हैं, इन्हें ताजमहल में प्रवेश से रोका गया, जिसके बाद इनको दोबारा ASI ऑफिसर्स के द्वारा 5 तारीख के पहले बुलाया गया। जब महाराज जी 3 तारीख को वहाँ दोबारा गए तो महाराज जी को फिर से रोक लिया गया। उसके बाद महाराज जी ने दरख्वास्त दी कि हमें प्रवेश ताजमहल में दिया जाए, जिसके उपरांत कोई कार्यवाही जब नहीं हुई तो महाराज जी ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की कि हमें धर्म दंड के साथ ताजमहल में प्रवेश दिया जाए। जिसके बाद आज सुनवाई के दरमियान उच्च न्यायालय ने के न्यायमूर्तिगणों ने विपक्षियों से 4 सप्ताह का समय दिया जवाब दाखिल करने के लिए कि महाराज, उसके बाद 2 सप्ताह का समय हमें दिया गया रिजॉइनर दाखिल करने के लिए। सितंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई हमारी की जाएगी और हमें इसमें पक्षकार में 2 लोग हैं, जगतगुरु परमहंस आचार्य अयोध्या के और महंत धर्मेंद्रगिरी महामंडलेश्वर मथुरा। विपक्षीगण में केंद्र सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, DM आगरा, SP आगरा और ASI ऑफिसर जो ताजमहल के सिक्योरिटी के हैं और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर आगरा। क्या कह करके मतलब आपको प्रवेश नहीं दिया गया था महाराज जी? हमें कहा गया कि आप धर्म दंड लेके नहीं जा सकते हैं। क्या वजह है इसके पीछे की? अब ये तो अधिकारी व सक्षम बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 26 तारीख को हमें रोका गया, उसके बाद 27 तारीख को किसी अन्य व्यक्ति को सेम गुस्सा में धर्म दंड के साथ प्रवेश दिया गया, जो कि अनुच्छेद 14 का हनन है, हर व्यक्ति की समानता का अधिकार होता है, उस अधिकार का हमें हनन किया गया। इसलिए हम उच्च न्यायालय आए कि हमें भी प्रवेश, जब किसी अन्य, अगर SN के पास कोई नियम था ही नहीं, ASI के द्वारा ऐसे कोई भी नियम नहीं है कि जिसमें आप दंड लेके अंदर नहीं जा सकते हैं। जस्टिस MK गुप्ता एंड जस्टिस YK श्रीवास्तव, कोर्ट नंबर 21, मैं जमा रहा केस लगा था।